या करंगा गांव के अंदर की बिल्डिंग है और वह त्रिड को कूणम है। अब या अच्छा गिरती है मैम, तो कितने बह मानते हैं बच्चों के अंदर या आपके अंदर भाई, क्या करे क्या ना करे, डर तो है। ये देखो त्रिड, ये आज के दिन की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था है हरियाणा के अंदर स्कूलों की। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज मैं कल था शिवानी के पास और आज हूँ मैं गांव कलिंगा के अंदर, क्योंकि कलिंगा के अंदर आने का माध्यम ये बना कि भास्कर अखबार में एक सोना सा लेख कह लो, सोनी खबर कह लो, उसके लिए तत्पे हर पत्रकार को रहना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म यही कहता है कि आप खबरों को बड़े विस्तार से दिखाएं ताकि उस खबर का असर हो और उस खबर के असर से उस जगह का परिवर्तन आने का काम हो। गांव कलिंगा है, इस गांव कलिंगा का बहुत बड़ा इतिहास है, मैं कई बार वीडियो में हर बार वीडियो में बता चुका, हर पंचायत में बता चुका, उससे पहले भी बता चुका। और ये जी ये स्कूल है जो आप इसके अंदर स्कूल देखने का काम करें, अब बोर्ड बार जो है वो आपके आगे है, गेट है जो आपका आगे है, लेकिन ये स्कूल है गाँव का लड़कियों का और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जी। अब इसकी जितना तक आपकी नज़रदारी हो वहाँ तक आपकी इसकी चार दीवारी देख सकता, बस यह है कि अंदर पशु खड़े हैं, पशु बांध रखे हैं, डोली पड़ी है और किक्कर पड़ी है और उसके सामने स्कूल है और यो गांव कलिंगा का स्कूल है। अब यो के हो रहा है बेरा को नहीं, लेकिन यह है कि आज जो साधन है वो यहीं से निकलेंगे या क्या होगी या डैमेज है भी बेरा को नहीं, के है, लेकिन आज की यहाँ पे होना चाहिए शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लेकिन उसका तो फिर यो है कि यह व्यवस्था आज देखी जा सके है जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा हो और उसकी शिक्षा प्रणाली इस तरह की हो। अब ये स्कूल के ऊपर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, या चार चांद होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो तो जी अधिकारियों के कागजों की बात है। अब कितना विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब पता नहीं जी किस तरह से इस स्कूली शिक्षा का विकास होगा और किस तरह से गांव विकासशील देखे जाएंगे। कि अगर इस विकास की बात करूँ तो यह बोले तो किक्कर बोदड़े ओदड़े ये खड़े हैं, चार दीवारी तक की इस स्कूल के पास व्यवस्था नहीं है और इसके अंदर की बात करो 300 से ऊपर बच्चियां पढ़ती हैं जी और वो देश का भविष्य है, लेकिन गांव कलिंगे की भविष्य ये है कि आज भविष्य देखने के लायक है। अब जी एक दीवार बाहर थी, अब एक दीवार और अंदर आ गई है, वह दीवार भी तो अंदर आई है, वह दीवार भी आधी अधूरी दीवार देखी जा सकती है। ये अंदर की व्यवस्था, ये गेट के आगे की व्यवस्था है और अंदर की व्यवस्था का अगर माहौल की बात करूँ तो अंदर की व्यवस्था में कोई ज़्यादा परिवर्तन को नहीं दिखा है भाई, कहीं परिवर्तन दिख रहा हो या देखा जा रहा हो, लेकिन यह है कि आज भी बच्चे टाट पे पढ़ने को मत, ये कौन सी कक्षा, ये कक्षा कौन सी, ये नाइन्थ कक्षा, ये आ जाओ जी, यह आपकी नाइन्थ कक्षा है और नाइन्थ कक्षा का आज अंदर की व्यवस्था बात करो तो ये व्यवस्था है। आराम से नमस्ते, कल तो मेरे शांत हो जाए ठीक है। अच्छा आप जो टाट है इसमें बैठते पढ़ते हैं या खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए, तो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं या ऊपर बेंच वगैरह, नहीं फर्श पे बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा आज के, अब कौन सी कक्षा की बच्ची है, नाइन्थ क्लास, तो कितनी कक्षा की बच्चियां जो टाट में पढ़ने को बैठ के पढ़ती है, सिक्स से नाइन तक बच्चियाँ टाट में बैठ के पढ़ती है। यस सर, बेंच वेंच आपके लिए नहीं आया, आपके लिए 10th से 12th। अच्छा दसवीं और बारहवीं के लिए है बेंच। अच्छा तुम लोगों ने क्या, मैडम कहा करो हमें बेंच दो, क्या नाम आपका है, मनीषा, आपका बेटे कोमल, आपका बेटे मानवी, तो आप सभी बच्चे टाट में बैठती है। यस सर, यस, आपकी छुट्टी है, अरे छुट्टी हो रही है, हां चलो मन लगा के पढ़ा करो। अच्छा ओके सर, ओके, शिक्षक पूरे हैं स्कूल में, शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा ये आपकी डिजिटल कमरा है, प्लीज एक मिनट, आप बाहर हैं आराम से। अच्छा जी यह नाइन्थ कक्षा है, अब नाइन्थ कक्षा का ये तो आपका ही चलता है, ये हैं
चलता नहीं है ये कारण सर खराब हो गया। आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम से बच्चों आराम से आराम से खराब हो गया। कितने दिनों से खराब है सर? एक साल हो गया। एक साल हो गया। ये ट्रेड है, ये डैमेज है। ये देखो अब या बच्चों आगे देख लो, या नाइन्थ कक्षा है और इसकी व्यवस्था यह है। ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है बेटी आपकी? ये सर बहुत साल हो गया। अच्छा आज जाकर तुमने आज अब यह व्यवस्था देखो, अब इसके ऊपर कली कर दी, पेंट कर दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन ना तो इस छत को पड़ने से कली रोक सकती ना कुछ रोक सके, लेकिन यह व्यवस्था अगर पड़ेगी तो कितने बच्चों को ऊपर आनी होगी, क्या क्या आनी यहाँ पर पहुंच सकती है। और ये देखो जी, ये देखो ट्रेड, ये आज के दिन की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था है आज आने के अंदर स्कूलों की। और ये देख लो आज बंगा के लिए ये खिड़की जंगले हैं, ये व्यवस्था है आप आज आपके स्कूल के अंदर की। और यहाँ पे बच्चे भविष्य। अच्छा ये बचाओ, ये किसने बनाया? खड़ी बच्चा आपने बनाया? ये आपने बनाया? क्या बनाया आपने? संज्ञा। अब बच्चे ने संज्ञा बना के यहाँ पे लगा दी। बच्चे तो पढ़ सकते हैं लेकिन बच्चे ऊपर की संज्ञा कैसे पढ़ेंगे कि ऊपर की जो व्यवस्था की संज्ञा है वो खराब हो रखी है। नहीं नहीं, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं इस कमरे में? कितने हैं? 65 बच्चे हैं। अरे सारे बच्चे यहीं बैठते हो? आ जाते हैं बच्चे सारे 65? नमस्ते, आपा के पढ़ा है? साइंस। साइंस है। सारे बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे पढ़ ला रही है? ये अच्छी बात है। बच्चे पागल हो गए लगा तो ये खराब हो रहा है। ये खराब हो गया। अब आगे की व्यवस्था हो रही है जो आज आपके आज बच्चे अब पानी खेल रहा है। आ जाओ जी, अब व्यवस्था देख लो जो आज व्यवस्था देखने के लायक है। अब ये देख लो पापड़िया है, अभी लगे ये पंखे भी अभी लगे हैं। अच्छा अच्छा ये चलता है आपके? चलता है। टीचर पढ़ाते हैं? अच्छी बात है, टीचर पढ़ाते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? ये क्लास की कौन सी है? अच्छा ये क्लास 8 है। अच्छा ये सामान स्कूल का रखा हुआ है? यस सर। ये स्कूल सर लैब थी पहले? अच्छा पहले लैब थी, अब ये क्लास रूम बना दिया। ये बच्ची किसने बनाया? मैंने। शाबाश, क्या नाम आपका? निशा। क्या बनाया ये? मोमबत्ती का अलग लेसन भी। चलो जी अच्छी सी बात है। चलो जी हटो पुलिस बच्चों का बात करो तो जी, यह व्यवस्था आज कलिंग गाँव के स्कूल की है। अब जी स्कूल की कलिंगे की व्यवस्था है, सरपंच साहब आगे बैठे हैं, कमरे वहाँ पे भी हैं, कमरे वहाँ पे भी हैं, क्योंकि आज के दिन की अगर बात करूँ बात के अंदर वहाँ पे क्या होगा बच्चे? वहाँ पे कंप्यूटर रूम के सामने बैठते बच्चे हमारे, यहाँ पे कमरे नहीं है। कमरे नहीं है आपके? आप कहाँ बैठ के पढ़ते हो? आप इस पेड़ के नीचे? नहीं वहाँ पर उस प्राइमरी में भी कमरे नहीं है। अच्छा प्राइमरी वो कौन सी क्लास है? प्राइमरी। अच्छा वो स्कूल प्राइमरी है? वो स्कूल प्राइमरी है। सेवंथ क्लास बैठती है। अच्छा वहाँ पे सेवंथ क्लास बैठती है। चलो अब ये ग्राउंड बड़ा है, बच्चे हैं यानी पढ़ने को बैठने को मजबूर है। सरपंच साहब आ रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं? स्कूल तो बैठा था काम का भाई। सरपंच साहब अंदर बैठे हैं, अंदर मैं मिलकर बता दूँ। तो जी बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखा जास का है। टीचर वो जिस टाइम बच्चे मैं वीडियो बना था उस टाइम वो क्या आधी छुट्टी बोले थे ना, आधी छुट्टी थी। रमेश भाई बड़ी सारे नाम प्लीज आ जाओ। 21वीं सदी है, देश चांद बजा लिया, विश्व गुरु बनने की तैयारी करा देश, लेकिन सर आज भी बच्चे आज भी भविष्य टाटो बैठ के पढ़ने के मजबूर है, क्या मानते हैं? और आपका गाँव के 3-3 पंचायत है और बस आपका गाँव तो एक MLA बना भी है, सरकार बनाता है आपका गाँव तो, क्या मानते हैं आज बच्चे टाटो पेपर मजबूर आप बच्चे गांव के? बस के बताओ भाई, ये सरकार की कमी है, थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कुछ भाई गांव में
मतलब इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, लोगों का ध्यान नहीं शिक्षा के लिए। अगर नहीं है बिल्कुल सारी बिल्डिंग कैंडल है भाई, अगर इस पार्श है इस आचा कोई हो जा तो कौन तुम बच्चे की मार भुगतेगा, कितना भुगतेगा। ये देखिए क्रेड देखो, क्रेड दिखा, ये व्यवस्था है आज गांव कलंगा के स्कूल के अंदर की। ये कक्षा पांचवी सातवीं, और ये मैम ये कौन सी कक्षा है, ये फोर्थ है। ये कक्षा कौन सी है मिस्टर? तो ये चलता आपका नो तो चलता नहीं है, कारण क्या बेटे खराब होगा क्या होगा? चार्ज नहीं है। हाँ भाई ये तो बच्चे हैं यार, ये देश का भविष्य है, ये किस तरह बैठो देश का भविष्य। ये देखो या करंगा गांव के अंदर की बिल्डिंग है और वह त्रेड देखो पूनम है। अब या अच्छा गिरती है मैम, कितने बह मानते हैं बच्चों के अंदर या आपके अंदर भाई, क्या करे क्या ना करे। मैम ये कब से खराब है? चार्ज नहीं है। कब से चार्ज नहीं बेटा? दो तीन दिन चार्ज नहीं है, दो तीन दिन से चार्ज नहीं है। तो इसको चार्ज भी किया करो, या चाहे त्रेड इसकी हो चाहे नीचे की हो, यानी मैम यही बच्चों को पढ़ाना है यही। कितने बच्चे मैम इस क्लास में? 33। क्लास कौन सी है? 6। तो ये सामान लाइब्रेरी का किसका सामान रखा हुआ है ये बड़ा? ये तो कॉमन सामान है, वो रखी हुई तो रखी कहाँ पे जगह तो। नमस्कार सर, आप टीचर है? नमस्कार, कैसे सर? सर क्या मानते हैं आज ये बच्चे इस बैग नीचे पढ़ने होंगे मजबूर क्यों? 21 है चांद देश बता लीजा। क्या बताएं सर? बताएं सर, आप शिक्षक हैं सर, अगर कोई बच्चा आपसे उनसे सवाल कर ले ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ ये डिमांड है नहीं है, प्रशासन को बात सारी पता है इस बात का, और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था तो रिमाइंडर ही भेज सकते हैं। सर आप सरकार से पढ़े हो? बिल्कुल सर, 10 तक आप पढ़े, मैं 8 तक मैं पढ़ा हूँ। तो सर मैं भी सरकारी स्कूल में 10 रुपये बैठ के पढ़ाया था, यानी 1995-96 बेंचेस तो सर हमको 6th क्लास में मिले थे 1 to 5th, बल्कि ये भी नहीं थे हमारे पास, खुद का कट्टा हुआ कट्टा हुआ करता वो तो अपने टाइम में बात सर, 90 के दशक की बात सर वो 90। लेकिन सर 90 के दशक के बाद में आज 2024 है सर, 23 है सर, आप देख सकते हो सर सारा यहाँ से कई बार हो चुका है, वो क्या बोलते हैं आपका सर्वे यहाँ से हो चुका है उसका ना 3-4 बार हो चुका है, 3-4 रिमाइंडर चला गया। लेकिन सर किसी के जून नहीं रेंग रहे, नहीं जून नहीं रेंग रही, जून नहीं रेंग रही, क्या यहाँ की बात? विधायक जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, सीएम साहब भी आ चुके हैं। अच्छा जी, तो अब सर क्या बताएं ये बात कहाँ अटकी हुई है? सर ये पंखा खराब है, चालू है सर, ये रिपेयर करवा चुके हैं इसकी। अच्छा, उससे पहले देखो आप ये देखो जो आपका वो है ना उसको एक बार हटा दीजिए सर। अच्छा अच्छा, इतना जगह थी कि सारे सर ये बाहर कबूतर उसमें इजीली बैठ के अपने घोंसले घोंसले बना लिया करते। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, इस वक्त सर अच्छी बात है सर, अगर टीचर बताओगे तो अच्छी बात है सर। नहीं नमस्ते, कौन सी कक्षा ये? अच्छा कोई वायर नहीं थी, अब आ जाओ जी। अब टीचर के मैं ले नहीं सकता और मैं ये दिखाने को मैं मजबूर हूँ, और डंडा मंडा मिलेगा क्या आपके पास? ये देखना जरा, या व्यवस्था सरकारी स्कूल की सरपंच साहब, या देश का भविष्य इसी में तैयार होगा के भाई यो के पढ़ाओ के शपथ मिलेगी बैठे भाई पढ़ाना भी तो बात है, टीचर लाग रहे पढ़ाना बच्चे पढ़ने ही तो पढ़ा है, लेकिन व्यवस्था नहीं दे पा रही सरकार की ओर तो जो व्यवस्था उसमें कमी है ना, कि टीचर में पढ़ाने में कमी या बच्चे की बात नहीं सर, बच्चों की बात नहीं, टीचर अच्छा माहौल नहीं। लेकिन आपके गाँव में सीएम साहब आए थे तीन कमरों में, ये कमरा प्राइमरी का, सीनियर सेकेंडरी में भी कमरे ना होने की वजह से एडजस्टमेंट में ये कमरा इनके पास है। चलो जी हाँ रमेश भाई, तो या बाउंड्री होगी किस तरह काम चल रहा है रमेश, किस तरह बात होता है सरपंच तो यार भाई मन ने तो खूब कोशिश कर ली, उन सरपंचा ने भी भाइया ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन भाई इतना बड़ा 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो स्कूल बनन का। हाँ। सरकार मतलब कह रही है कि हाँ भाई मामला संज्ञान में है, ड्राइंग पास होगी ये हो रही है, लेकिन काम शुरू नहीं होने लग रहा, उसका रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं काम शुरू होने लग रहा, के कारण है कि इतनी अव्यवस्था देखने के कारण सीएम साहब आए थे उनके भी
नॉलेज में डाली थी या बात, मीटिंग में भी रखी थी या बात, बीओ साहब के भी रखी थी या बात, डीसी साहब के भी रखी थी, विधायक के भी रखी थी। अच्छा। लेकिन यह चीज समझ में नहीं आने लग रही, काम क्यों नहीं शुरू। ये कहा था हमने बिल्डिंग बन जाएगी धीरे धीरे, लेकिन कम से कम बाउंड्री तो हो, चार दीवारी तो कम से कम, चार दीवारी तो हो। गर्ल्स स्कूल है, यो गर्ल्स स्कूल में चार दीवारी हो जाए तो ये है कम से कम सुरक्षित है। ये डांगर डोर, ये देखो अगर गाय कुत्ता भैंस बिल्ली सब अंदर घुसे रहते हैं, तो मतलब सरकार यार समझ नहीं आने लग रही। ग्रांट है कोनी, उन पे पैसे की कमी है, या स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देने लग रहे। एक वो शिक्षा मंत्री कुछ इसे हैं, वो आते ही नहीं इन स्कूलों में ये देखने कि भाई कौन से स्कूल में बच्चों को क्या सुविधा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, या भाई बिल्डिंग कैसी है। शिक्षा मंत्री तो है भाई बिल्कुल जीरो, उसको नहीं पता कुछ भी। और एक मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी, उसमें एक बच्ची ना तो इंग्लिश में जो सवाल कर ले उन्हें, उनका जवाब को नहीं आंदा, तो वो तो अपना शिक्षा मंत्री हो रहा है। दिक्कत तो आवेगी भाई जब शिक्षा मंत्री से है तो वो देखी, देख एक बार तू देख यार, जन तो यार कोई ना किसे जंगलात में, जंगलात में आ रहा है और जंगलात में बच्चे आने लग रहे। तू किसे भी एंगल तो स्कूल जो गेट देख, कितना तगड़ा गेट है स्कूल का, लाखों करोड़ों रुपया लगवाया सरकार ने इस पर गेट पर देख। अच्छा। कितना अगर मान ले मोदी साहब भी आओ तो उसका इस गेट में तो स्वागत होगा, इस गेट में तो इतना तगड़ा गेट है, यो इंडिया गेट तभी बड़ा गेट है स्कूल का। तो आपने अंदर व्यवस्था देख ली होगी, जो सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है वो इस हालत में है, और वो शिक्षा मंत्री जो है उससे भी बुरी हालत में स्कूल है, ये तू देख ले। तो जी स्यामी पानी, अगर एक बारिश आ जाए ना, एक बारिश आ जाए, एक अगर बारिश 20 मिनट की बारिश आ जाए तो इसमें जानना रास्ता को नहीं। अच्छा। जानना रास्ता नहीं है, देख एक बार भाई तेरा कैमरा घुमा, देख किक कर, देख देख तू, और जरे तू खड़े यो गेट है, यो गेट गेट रह रहा है इसमें, मतलब कोई ना आनते रुक सकता ना कोई जानते रुक सकता, कुछ नहीं है, बस इंडिया गेट की तरिया है, पूरा घूमन आओ, दारू धप्पड़ पियो, पूरे बैठे रहे सामने लफंडर आदमी, पूरे घास में बैठ के उड़े बैठ के उड़े, उसके लिए है ये। कोई स्कूल तो छोड़े को नहीं रखा किसी भी उससे, किसी एंगल पे भी, किसी भी एंगल पे। और देख एक एक तुमने सबसे अच्छी बात बताऊ, सीएम साहब आए ना स्पेशल इस स्कूल के लिए ये रूट रखा गया, लेकिन वो रूट चेंज हो गया। अच्छा। फिर भी उनके उनको ये सामने ये मामला रखा गया जी हमारा गर्ल जो स्कूल है उसकी हालत इतनी दर दर हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि जी वहाँ पे ये लग ही नहीं रहा है कि ये स्कूल है, वो ऐसा लग रहा है कि शमशान घाट में कोई कमरा बने हुए हैं एक दो, इतनी बुरी हालत है। उसके बाद भी पूछा हाँ बोड़ जावा हाँ भाई के रहा के चल रहे के नहीं, एस्टिमेट बन गया, ड्राइंग बना है, फलाना हो गया, यानी कहन कहन में भाई गामाले और पब्लिक कदमा ने अगर जी वो काम धरातल पर शुरू हो जाए। ये मार्च अप्रैल में आए थे सीएम साहब, उसके बाद तो महीने में ड्राइंग भी बने लिया, महीने में एस्टिमेट भी पास हो लिया कि मैं तो काम शुरू हुआ। हमने तो भाई सारे जगह धक्के खा लिए, उन सरपंचा ने भी खा लिए, खूब अप्लीकेशन दे ली, सारी चीज कह ली, लेकिन भाई उरे काम शुरू नहीं हो रहा कुछ भी, कुछ भी, कोई भी बाउंड्री का काम शुरू। और इससे यह व्यवस्था बॉयज में है जो अड्डे पे है उसमें कमरे बन रहे हैं, बजट कम रह गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या होया उसकी छात टपके है। अच्छा। बारिश आते ही नीचे बैठे बच्चे कैसे पढ़ सके। तो भाई इतना यो इंडिया गेट के सामने आपने खड़े होकर मैं आप दिखा रहा हूँ कि ये गर्ल्स स्कूल का गेट है, और ये इतना बड़ा गेट है जो शिक्षा मंत्री आओ तो स्वागत तुरंत ही होगा, मुख्यमंत्री आओ तो भी स्वागत तुरंत ही होगा, विधायक आओगा तो भी तुरंत ही होगा। ये वो गेट है जो कि आते ही स्कूल की व्यवस्था बता देता है कितनी तगड़ी व्यवस्था है इस स्कूल में। चलो जी ये कहानी थी और ये पोजीशन थी। अब जो दो बात मैं कर एंड कर देता हूँ कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा, देश चांद पे जा रहा, देश वो जा रहा, देश वहाँ जा रहा, देश पता नहीं कहाँ जा रहा, लेकिन हालात ये है सरकारी स्कूलों के, देश यहाँ पे आ रहा, बच्चे यहाँ पे आ रहे पढ़ने को, यहाँ पे मजबूर बच्चे, शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में और जितने सरकार काम दे सारे काम में शिक्षक को अड़ाया देखा जा सकता है, अड़ते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ये है कि अब इस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ के कोई आईएएस बनने की तैयारी करेगा, कोई फौजी बनने की तैयारी करेगा, कोई किमे करेगा, कोई किमे करेगा, सच बोल लेंगे उन्हें धमकावेंगे नहीं धमकाऊ पेरा पट्टा एक होने। लेकिन यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा धरातल पर ये दिख रहा,
बेटियों की सुरक्षा के लिए धरातल पर ये दिख रहा, बस ये है कि अब जो कुछ दिख रहा हो बेटी के लिए यहाँ दिख रहा। अब ये पता नहीं ये गांववासी सुते खड़े पड़े सारे टोटल गांववासी, ये तीन तीन पंचायत है, तीन पंचायत है, तीन तीन पंचायत है। और एक और बताऊँ, इस गांव का उदाहरण खरक गलंग का गांव का तो ऐसा उदाहरण है कि बुआने खड़े सीट के तख्ता पड़ लेता है, वो नेता बनाते हैं जी, लेकिन दुर्भाग्य है वो बड़े बड़े काम करते हैं, यहाँ से बना के चंडीगढ़ बैठाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, लेकिन वो गाँव वाले नेता बनाते हैं, अपने गाँव की स्कूल की व्यवस्था नहीं बना पाते। ये सभी के ऊपर बात है, कोई किस सरपंच के ऊपर कोई बात को नहीं, बस जो जो आगे में लगा गए उन्होंने बता दिया, लेकिन व्यवस्था मैंने आपको वो दिखाई जो यहाँ पे दातल पे आपको दिख रही थी। बस यह है कि खौफ में है टीचर भी, खौफ में है बच्चे भी, और खौफ में है गांववासी भी कि हमारे बच्चे। मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी देखो टीचर सारे हैं जी, मान ले एक दो क्लास के भी नहीं है कोई बात नहीं हुआ, लेकिन टीचर भी तो उसे टाइम पढ़ाओ ना जी, व्यवस्था हो, व्यवस्था ऊपर तक पानी टपकता हो, नीचे तक भी पानी मतलब सीलन इतनी है, किस टाइम तो वो बेचारे बच्चे वहां लगातार कुछ टाइम बैठ सके, बेंच को नहीं। अरे यार ये सरकार के काम है, सरकार ने दे टीचरा ने तो छोटा मोटा काम अपना इकट्ठा करके भी करते हैं, छोटा मोटा काम मेरे बरगा भी नुसार लगा दे सारे भाई अकेले भाई कोई बात को नहीं, लेकिन ये यार करोड़ा के प्रोजेक्ट है, इतने तो किले नहीं, नहीं एक सरकार की है बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्यवस्था है वो मिल नहीं पा रही है पढ़ाने के लिए। एक अच्छे टीचर का मतलब जब ही तो पढ़ा पाओगा ना वो, जब उसको व्यवस्था होगी भाई गर्मी है तो पंखे चल रहे हो और भाई क्लास बैठने लायक हो, उसमें भाई एक माहौल हो स्कूल का, वो चीज नहीं है। बार बार बच्चे नहीं दिख रहा, बार बार बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बाहर से कोई भी आवारा पशु अंदर घुस जाता है, कोई भी मतलब वो व्यवस्था है ही नहीं जो स्कूल की होनी चाहिए भाई। ये है जेएनसी नुशे अजय नायक पंकज सोने की खास रिपोर्टर, खास बात और पंकज का भास्कर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भास्कर ने खबर दिखाई तो आज मैं यहाँ पे कलंगा मिल द्वारा आने को तैयार हुआ। धन्यवाद भास्कर का।